नमस्कार दोस्तों, आपने मेरी वीडियो देखी होंगी जिससे आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता चल गया कि रोहित भाई ने ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर लिया। और बहुत बार मैंने वीडियो में बताया भी है कि मेरे को 4 से 5 महीने हो गए हैं ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हुए और ऑनलाइन बिजनेस में चला भी रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों को मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मैं फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहा हूँ तो वहाँ से कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है, मीशो पे सेल कर रहा हूँ वहाँ से कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि रोहित भाई हमें भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना है, तो आप एक बात बताइए कि क्या हमें मीशो पर अपने प्रोडक्ट सेल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। बहुत सारे लोगों के ऑफलाइन में बिजनेस है, वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हैं मीशो के माध्यम से, तो वो लोग भी यही बोल रहे कि रोहित भाई एक बात बताइए हम मीशो पर सेल करें या ना करें। बहुत सारे लोग नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो वो भी यही सोच रहे हैं कि हम मीशो पर अपने प्रोडक्ट सेल करें या ना करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चीज का जवाब नहीं दूंगा बल्कि कई सप्लायर के बारे में बताऊंगा जिन्होंने मीशो के लिए क्या बात कही है, क्या हमें मीशो पर सेल करना चाहिए। उनके रिव्यू के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें मीशो पर अपने प्रोडक्ट बेचने चाहिए या नहीं, क्या मीशो पर प्रोडक्ट बेचना घाटे का सौदा है या मीशो पर अपने प्रोडक्ट को सेलिंग के लिए लगाना फायदे का सौदा है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो चलिए वीडियो शुरू करती हैं। तो अभी लोग मैं साइड में हो गया हूं और इधर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दिया है। आपने ये एड बहुत बार देखा होगा, आप ये एड देख रहे हो, इसे मैं प्ले करता हूं। तो यहाँ पर एक स्टोरी सुनाई गई है रजत की और अमित की, जिसमें बताया गया कि हम 150 ऑर्डर पर डे निकाल रहे थे और एक साथ मीशो से जुड़े तो हमारे 2000 ऑर्डर पर डे के आना शुरू हो गए और ये एड कैंपेन हद से ज़्यादा चलाया गया, हद से ज़्यादा लोगों ने इसको देखा। तो इसमें क्या था कि नीचे कमेंट भी दी थी, तो हम कमेंट को चेक करें क्योंकि कमेंट वही लोग करते हैं जो कि मीशो पर सेल कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप इनकी कमेंट पढ़िए, जैसे कि यहाँ पे बी के हासिजा जी हैं, उन्होंने कमेंट किया कि चोर कंपनी है, जल्दी ही बंद होगी। तो आप देख सकते हैं कि सप्लायर इस तरीके से यहाँ पर रेस्पॉन्स दे रहे हैं। इसके अलावा फ्रॉड सेलर ऐप, पैसे डुबाना है तो यहाँ माल बेचो, तो आप ये देख सकते हैं। अगला है कमेंट लोकेश चंद्र जी का, वो बोल रहे हैं मीशो में सुधार की बहुत ज़रूरत है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्जी प्रोडक्ट हैं इसलिए लोगों का ट्रस्ट नहीं है। और नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा है लीना प्रोड्यूसर नाम से कोई है, उन्होंने लिखा है मीशो पर मैं खुद एक सेलर हूँ, इसके डिलीवरी पार्टनर इतने चोर हैं कि 50% चोरी ये लोग करके प्रोडक्ट वापस लाती हैं, ऊपर से मीशो हमारे क्लेम भी अप्रूव नहीं करता, मैं तो मीशो से बहुत जल्द हट रहा हूँ और मैंने अपने महंगे प्रोडक्ट को मीशो से हटाना शुरू कर दिया है, फ्लिपकार्ट में जंप करने की सोच रहा हूं, कृपया मार्गदर्शन करें। तो इन्होंने लिखा है, अभी नीचे और देखते हैं, अंकित गोयल जी हैं, वो बोल रहे हैं आई लॉस्ट 1.5 लाख, यानी कि इनको 1 लाख रुपए का घाटा हो गया है। अगर कोई भी भाई बंधु उस पे न्यू काम करने की सोच रहा है तो मत करो, मतलब इस पे कोई न्यू काम करने की सोच रहा है तो ना करें, इनको 1.5 लाख रुपए का लॉस हो गया, कैसे हुआ है वो नहीं पता होगा। पंकज सिंह राजपूत लिख रहे हैं कि एक नंबर की चोर कंपनी है, कोई भी सेलर मत बनो भाई लोग, वरना तुम लोग को बहुत लॉस होगा, सच में सोच भी नहीं सकते। तो इन्होंने ये लिखा है। नीचे आते हैं, विशाल जी बोल रहे हैं रिटर्न क्लेम का अप्रूवल नहीं मिलता है, मैं भी परेशान हो गया हूं, कस्टमर सामान बदल के भेजता है उसका भी क्लेम नहीं मिलता है, और तो और इसके कुरियर पार्टनर भी चोर हैं, और तो और मेरा ऑटो सीपीसी एड्स प्रोग्राम ये लोग डीएक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, बहुत बार टिकट रेज कर चुका हूं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। नीचे आते हैं, आप ये देख सकते हैं कि सभी लोग यहां पर रिप्लाई दे रहे हैं। देखो ये खुद सेलर हैं, मोहित सैनी ये लिख रहे हैं मैं खुद सेलर हूँ मीशो पर, मीशो ने मेरे बहुत नुकसान किया है इसलिए मैंने तो फ्लिपकार्ट पर काम चालू कर दिया है और एक भी क्लेम अप्रूव नहीं किया, मैंने मीशो पर नेट मेरा 66,000 रुपये का नुकसान हो गया है और मीशो पर जितने भी रिटर्न आए हैं वो पूरे रॉन्ग पार्सल आए हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कुमार दीपक जी का है रिटर्न पॉलिसी इज वेरी बैड एंड
चेंज योर कुरियर पार्टनर, दे आर थेफ्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की चोरी करते हैं। इसके अलावा नीचे आते हैं तो आप जितिन कुमार जी का देख सकते हैं, ऑनलाइन एक बहुत ही घटिया प्लेटफॉर्म, एक व्यवसाय के लिए इतने प्रोडक्ट का ऑर्डर जाता है, और इन्होंने हिंदी में वो सारी चीज़ें लिखी हैं कि रिटर्न वगैरह का जो इशू है। इसके अलावा वी के हासिद जी लिख रहे हैं, सारा माल चोरी होते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे औरों के भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने दिए हुए हैं, बहुत घटिया प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ज़्यादा कुरियर रिटर्न है, फ्रॉड रिटर्न है, पेमेंट कुछ और सो होता है, आता कुछ और है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव रिव्यू लिखे हैं। अब भाई मैंने आपको ये रिव्यू क्यों दिखाई है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं पर्सनली आपको ये बताऊं कि मीशो पे सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बहुत सारे लोग ये बात बोलेंगे कि रोहित तूने खुद 5 महीने पहले मीशो के साथ काम स्टार्ट किया, आज तो इस कंपनी की बुराई कर रहा है। तो आप लोग ये कहोगे कि 5 महीने में तुझे सारी चीज़ें पता चल गई कि काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि इनके एड कैंपियन चल रहे हैं, तो एड कैंपियन में कमेंट में देखा कि बहुत सारे सेलर हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं, यानी कि 90% इनके कमेंट में नेगेटिव लोगों ने लिखा हुआ है। तो जो 90% लोग नेगेटिव लिख रहे हैं उनको रियल में कोई दिक्कत होगी, आप मेरे को इंडिविजुअली ये कह सकते हैं कि मीशो पे मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जो इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं जिनको लॉस हुआ है, उन लोगों की बात को तो आप मानोगे ही मानोगे। अब भाई आप लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने कुछ ही कमेंट दिखाई हैं, लेकिन ये वीडियो बनाने से पहले मैंने सभी कमेंट चेक की थी, और सभी कमेंट को चेक करने के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाई कि आपको मीशो पर सेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने सभी कमेंट देखी और मेरे को लगभग 70-80% कमेंट ऐसी दिखी जिसमें लोग फ्रॉड के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको लॉस हो चुका है मीशो से जुड़कर, जिन्होंने काम किया था लेकिन उनके साथ फ्रॉड हुआ है बहुत ही ज़्यादा, यानी बहुत सारे इशू हुए हैं जिस वजह से लोगों ने मीशो को छोड़ दिया या छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जब मीशो में होता गया है हम अपने प्रोडक्ट को डालते हैं एक रेट पर, उस रेट से ज़्यादा में वो सेल होता है, और उस रेट से ज़्यादा में अगर सेल होता है तो हमारा प्रॉफिट होता है, नहीं तो नहीं होगा, तो इसमें लॉस वाली बात कहाँ से आती है, तो उसको मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों जो मीशो पर लोग सेल करते हैं उनके साथ बहुत तरीके से फ्रॉड हो जाते हैं। फ्रॉड किस तरीके से होते हैं, जैसे माल को वो कुरियर के माध्यम से भेजते हैं तो कुरियर वाले माल को चुरा लेते हैं, इसके अलावा दूसरा कस्टमर के पास माल जाता है तो कस्टमर भी हाफ माल को निकाल लेता है, आधे माल को रिटर्न कर देता है। इसके अलावा तीसरा फ्रॉड होता है पेमेंट्स को लेके कि दिखाते कुछ और है आता कुछ और है। चौथा होता है एडवर्टाइजमेंट को लेके, क्योंकि मीशो में ऐड चलाए जाते हैं और बहुत बार फॉल्स ऐड चलाए जाते हैं जिसकी वजह से सप्लायर के बेफालतू में डिडक्शन हो जाते हैं। इसके बाद कुरियर चोरी हो जाते हैं, मिलते नहीं है, इसके अलावा क्लेम अप्रूव नहीं होते, तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिस वजह से जो सप्लायर है सेलर है उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, और इसीलिए बहुत सारे सप्लायर मना करते हैं कि मीशो पर सेल मत करिए। अब आप कहोगे कि इस कमेंट बॉक्स को आप देखोगे तो बहुत सारे लोग बात करते हैं कि हम तो फ्लिपकार्ट पे सेल करेंगे, अब मीशो से हटाएंगे, मीशो पे हमें लॉस हो गया, तो फ्लिपकार्ट भी वही काम कर रहा है और मीशो भी उसी तरीके से सेल कर रहा है, तो लोग फ्लिपकार्ट पे जाने की बात क्यों करते हैं। दोस्तों मोस्टली जो फ्रॉड होते हैं वो होते हैं कुरियर के माध्यम से, जैसे कुरियर में से कुरियर बॉय माल को निकाल लेते हैं जब फ्रॉड होता है, कुरियर बॉय कुरियर पार्सल को कस्टमर को देने जाते हैं उसके बाद वो रिटर्न पिकअप करते हैं तो उसमें माल को चेक नहीं करते तो उसमें फ्रॉड हो जाता है, यानी कि मोस्टली जो लॉस होता है वो प्रोडक्ट का लॉस होता है, और प्रोडक्ट का लॉस ही सबसे बड़ा लॉस सप्लायर के लिए होता है। तो होता क्या है कि जो कुरियर कंपनियां होती हैं वो गड़बड़ करती हैं, कुरियर बॉय गड़बड़ करती हैं, तो मीशो की अभी तक खुद की कुरियर कंपनी नहीं है, जो थर्ड पार्टी कुरियर कंपनी है उनको यूज करता है। अब लोग फ्लिपकार्ट पे जाने की क्यों बोलते हैं, फ्लिपकार्ट की खुद की कुरियर कंपनी है ई कार्ट। अब भाई ई कार्ट जो कुरियर कंपनी है वो फ्लिपकार्ट की है, तो फ्लिपकार्ट अपने हिसाब से उनको चलाता है और अपने हिसाब से चलाता है तो वो धोखाधड़ी नहीं करते, और इसी जगह जब थर्ड पार्टी जो कुरियर कंपनी होती है वो लोग धोखाधड़ी करते हैं। इस वजह से जो सप्लायर हैं वो मीशो से दूर भाग रहे हैं और फ्लिपकार्ट पर ट्रांसफ़र हो भी रहे हैं, और फ्लिपकार्ट पे मैं भी गया हूँ, मीशो के मुकाबले फ्लिपकार्ट से काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है, काफ़ी अच्छी तरह से प्रोडक्ट सेल होते हैं और फ्रॉड भी बहुत ही कम होती हैं।
तो बस आप लोगों को ये दिखाना था कि आप लोग अगर इस चीज में अभी भी कंफ्यूज हैं तो फेसबुक पर मीशो के ऐड चल रहे हैं, उनके कमेंट बॉक्स को चेक कर लेना जो सेलर के लिए ऐड चल रहे हैं, तो आप समझ जाओगे कि आपको मीशो पर सेल करना है या नहीं। अब एक बात मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये वीडियो किसी भी कंपनी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने बता दिया, फ्लिपकार्ट पर जो दूसरे लोग कमेंट कर रहे हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो मैंने लोगों के बीच ला के रख दिया कि देखो दूसरे सेलर का भी क्या एक्सपीरियंस है, और इस चीज को आप खुद भी जाके देख सकते हैं। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।